ये वाला बिच्छू घास ने घेर दिया और ये पड़ चुका है बंजर। तो ये रीति रिवाज मतलब जो पहाड़ की पंचक्की वाले थी, लोग रात दिन मतलब घाटों में भीड़ रहती थी, तो वो अभी देख सकते हैं पूरा बंजर पड़ चुका है। तो माना जाता है कि ये जो नदी है इसका राजा है, ये मतलब इसी की एक नदी है, इसी का ये मालिक है। मार्च का महीना आ जाता है, हमारा ये स्विमिंग पूल चालू हो गया था मतलब लॉकडाउन में ना, तो हमने ही बनाया, कुछ काम तो था नहीं, लॉकडाउन की मेहनत ही है हमारी, देख सकते हैं। इससे तो आर वाला जो टेम्पल है ना, ये हमने ही बना रखा है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम, पहलाक एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे आप लोग? आई होप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे एंड अपने काम में व्यस्त होंगे। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए ब्लॉग और उत्तराखंड के इन खूबसूरत वादी मेरे गाँव कलसर से। तो अभी सुबह की 9 बज रही है और मौसम आज भी ठीक ही है। आजकल मौसम लगभग लगभग ठीक है, एक ही दिन बीच में बारिश हुई थी और एक ही दिन थोड़ी सी हल्की सी जो ऊपर के डाने काटे उधर बर्फबारी हुई थी, बाकी मौसम तो अच्छा ही है। तो सो देखते हैं क्या क्या होता है और क्या क्या रहता है आपको दिखाने लायक आज के दिन से लेकर। तो अभी दिन की 12 बज चुकी है और मैं और मायर भाई गए थे इधर जंगल साइड घूमने के लिए, ऐसे मूड बन गया था जंगल साइड घूमने के लिए। और अभी हम हैं अपने जूनियर स्कूल में, ये हमारे गांव की जूनियर स्कूल है जो ठीक सिद्धाधार के ऊपर है, और इसके नीचे सिद्धाधार का एक छोटा सा टेम्पल है जिसमें हमने लॉकडाउन में बहुत सारा काम किया है। तो हम वही देखने गए थे कि जो हमने लॉकडाउन में जो काम किया था, जो दिहाड़ी मजदूरी की थी, उसकी कंडीशन कैसी है, क्योंकि जो पीछे एक जगह टूट रखा था जिसका ब्लॉग भी देखा होगा ना, पुल के ऊपर से टूट रहा था, हम तो वहीं गए थे कि वहाँ पिछले साल कितना टूटा, क्या टूटा, इसलिए थोड़ा घूमने गए थे। और हमने वहाँ पिछली बार एक पानी की झील भी बनाई थी, मतलब तालाब टाइप का बनाया था, तो उसी को देखने गए थे हम दोनों, क्योंकि काम तो कुछ था नहीं, मैंने चलो थोड़ा घूम के आते जंगल साइड। अभी हम हैं प्राइमरी स्कूल में और ये अभी हम हैं जूनियर स्कूल में, तो कुछ इस प्रकार है हमारी स्कूल। तो ये है हमारी जूनियर स्कूल, आप ये देख सकते हैं, और ठीक है हमारा गांव है सामने, और गांव से मतलब ज़्यादा 10 मिनट की दूरी पे स्कूल का पैदल मार्ग है। और स्कूल के आगे जो फूल लगे हैं ना, वो तो कुछ ज़बरदस्त ही दिख रहे हैं, इतना ज़बरदस्त व्यू आ रहा है, और यहाँ से जो व्यू आता है ना, यहाँ से पूरा गाँव दिखाई देता, ऑलमोस्ट पूरा गाँव दिखाई देता हमारा। तो ये है हमारी जूनियर स्कूल। ये है पूरी सिद्धाधार जो हमारे प्रॉपर सिद्धाधार है, और ये है सिद्धनाथ का टेम्पल। और लॉकडाउन में ना इसको हमने ही बनाया, कुछ काम तो था नहीं, तो चलो गांव के प्रधान ने बोला है वहाँ पर एक छोटा सा बजट है उसको बना दो, तो लॉकडाउन की मेहनत ही है हमारी, देख सकते हैं। इस सिद्धाधार वाला जो टेम्पल है ना, ये हमने ही बना रखा है। जितने भी लॉकडाउन में जो प्रवासी मजदूर थे ना, जो लोग बाहर थे, बाहर से लॉकडाउन में घर आ गए थे, तो ये वाला काम लॉकडाउन में हुआ है। और ये जितने भी बाहर के लोग थे ना, जो बाहर जॉब करते थे, प्राइवेट जॉब वाले घर आ गए थे, तो ये सारी उनकी मेहनत है, और ये कुछ इस तरह से बनाया हमने, आप देख सकते हैं। तो ये है हमारा यहाँ का राजा का टेम्पल। माना जाता है जो ये वाली नदी है ना, ये नदी आती है तुंगनाथ से, तो माना जाता है कि ये जो नदी है इसका राजा है, ये मतलब इसी की एक नदी है, इसी का ये मालिक है, तो इसको बोलते हैं हमारे यहाँ पे घटगदरा। और ये जो है हमारा पंचायती घट है, ये पहले परमानेंट चालू था, लेकिन जब से चक्किया आ गई तब से ये चीज़ भी मतलब ये रीति रिवाज भी हम भूल चुके हैं। और अभी घट तो कोई यूज़ करता नहीं, एक वाला घट था, एक यहाँ पर था, और ये वाला घट था, इसका नाम मूल्या घट था, बीच का घट। और जैसे ही मार्च का महीना आ जाता है, हमारा ये स्विमिंग पूल चालू हो गया था, मतलब इस नदी में हम नहाने आ जाते हैं, तो परमानेंटली मतलब मार्च से और सितंबर तक यहाँ नहाने शुरू हो जाता है। और ये पहले हमारे घर पे घराट पे इसी से जो आटा होता था, इसी से पीछा पीसा जाता था, लेकिन अभी जब से चक्की आ गई तब से लोगों ने घट की तरफ ध्यान देना बंद कर दिया, और जो टेस्ट इस वाले घट से आता था ना, वो चक्कियों पर कभी नहीं आ सकता उतना टेस्ट, क्योंकि ये नेचुरली था, ऑर्गेनिक था, और चक्की जो है वो डीजल या इलेक्ट्रॉनिक से चलती है, तो जो पंचक्की थी ना, इसका आटे का टेस्ट होता ना, मैं क्या ये बताया, वो टेस्ट मतलब आपको मिलेगा ही नहीं जो ये वाला टेस्ट इस चक्की से आता था। ये था हमारा बीच वाला घट। आज की डेट में यहाँ खाली कन्नाली कन्नाली है, कन्नाली मतलब जिसको बोलते हैं बिच्छू घास। तो
ऑलमोस्ट पूरा घराट जो है वो ये वाला बिच्छू घास ने घेर दिया और ये पड़ चुका है बंजर। तो ये रीति रिवाज मतलब जो पहाड़ की पंचक्की वाले थी, लोग रात दिन मतलब घराटों में भीड़ रहती थी, तो वो अभी देख सकते हैं पूरा बंजर पड़ चुका है, कोई भी नहीं दिखेगा। ऑलमोस्ट जो रास्ता था ना, ये रास्ता भी देख सकते हैं पूरा कंडाली से मतलब भरा पड़ा हुआ है। अभी शाम के 2 बज रहे हैं और खाना खा के थोड़ा आराम कर रहे हैं ना, तो आजकल ना हमारे घर पे 2 नए मेहमान आ रखे, मतलब 2 हमारे कुत्ते के बच्चे हो रखे हैं, छोटे छोटे अभी, और कल से उनकी आंखें खुली। तो कुत्ते का क्या होता है ना, जब कुत्ते के बच्चे पैदा होते हैं ना तो उसके 1-1.5 हफ्ते तक आंखें नहीं खुलती हैं, तो मैक्सिमम मिनिमम 15 से 20 दिन के बाद उसकी आँखें खुल जाती है। तो सो कल से उनकी आँखें खुली है ना, और जैसे उनकी आँखें खुली ना वैसे भाई खाने पर टूट पड़ गए ना, आपको दिखाता हूँ मैं अभी। तो ये है नए मेहमान, ये देख लो ये है, और ना जैसे कल से इनकी आंखें खुली ना वैसे खाना खाने बैठ चुके हैं, ये देख लो आप। अगर किसी को चाहिए तो कांटेक्ट कर लीजिए, दोनों कुत्ते हैं, दोनों लड़के हैं। और शाम की 4:15 हो रही है अभी, और ऑलमोस्ट अंधेरा होने ही वाला है। तो मैं पता आज दिन में मेरे को पहली बार में जब से घर आया ना मेरे को नींद आ गई वो तगड़ी वाली, तो मैं कम से कम 2 मतलब 2:45 बजे के आसपास हो गए, तो सीधे 4 बजे मतलब मेरी नींद खुली। तो मैंने सोचा चलो चलते हैं थोड़ा रोड साइड घूमने के लिए, देखते क्या क्या रहता है। और अभी जो है ना, और पहाड़ों में एक चीज़ और भी है ना, अभी धूप वास्ते जब मतलब हुआ है ना, भूर सनसेट हो गया है ना, अभी लास्ट मोमेंट ये यहाँ पे इतना रुक चुका है। तो अभी बंदर भी देख सकते हैं अपने अपने अड्डों पर जाने बैठ चुके हैं बंदर सारे, जैसे जैसे धूप ढलती जा रही बंदर भी होगा अपने अपने अड्डों पर जाने, और इतना परेशान कर रखे ना इन बंदरों ने, क्या ये बताओ यार। लोगों का खाना सोना सब हराम कर रखा है, जैसे सुबह मतलब 7:15 बजे से इनका ड्रामा चालू हो जाता है, रात की 8 बजे तक मतलब ये लोग चालू रहता है, इनका कुछ ना कुछ चालू ही रहता है। तो पूरे गांव वाले परेशान हैं इन बंदरों से। तो चलते हैं थोड़ा रोड साइड